स्वागत है। महंगाई, मंदी और मॉनसून की मार झेल रही मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ सरकार ने दिया है जोर का झटका। पेट्रोल डीजल पर वैट की 5% और आपको बता दे जो फाइन है उस पर 10% का इजाफा कर दिया गया है। एमपी में बाढ़ के नुकसान की जनता करे भरपाई। विपक्ष में थे तो विरोध, सत्ता में आए तो वैट दर बढ़ाई। एमपी अजब है, बाढ़ बारिश ने लोगों को बेघर कर दिया, अरबों की फसल डूब गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, घर गाड़ी सामान सब बर्बाद हो गए। ऐसे में उम्मीद थी कि सरकार जनता का साथ देगी, लेकिन एमपी सरकार ने पेट्रोल डीजल 5% और वाइन पर 10% वैट बढ़ा दिया है। ये बढ़ोतरी उस वक्त हुई है जब पूरे देश में पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। 15 साल तक सत्ता से बाहर रही कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जिस सरकार ने वैट बढ़ाने का फैसला किया है वो 15 सालों तक वैट कम कराने के लिए पूरे एमपी में गला फाड़ फाड़ कर विरोध करते रहे। बीते जुलाई में ही सरकार पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर स्पेशल ड्यूटी लगा चुकी है। कहा जा रहा है कि बाढ़ ने काफी नुकसान किया है, कहने का मतलब है कि जनता से भरपाई करवा लेंगे। एमपी में अब पेट्रोल मिलेगा 81.15 रुपए प्रति लीटर, मतलब 2.91 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं डीजल अब 2.81 रुपए बढ़कर प्रति लीटर 72.51 रुपए हो गया है। जनता इतनी परेशान है कि सरकार से उम्मीद ही छोड़ दी है। देश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल और वाइन पर 5.5% वैट बढ़ा दिया है। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के 5 नंबर पेट्रोल पंप पर। सरकार बदल जाती है, मांगे खत्म ही नहीं होती, ना उसका हल निकलता है। ये बड़ी बात है, इन्होंने बहुत गंभीर बात कही कि सरकारें तो बदल जाती हैं लेकिन आम जनता की जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं। जो जनता की मांगे हैं वो कभी पूरी नहीं होती है, सरकारें जरूर बदलती रहती हैं। कैमरामैन कमलेश ब्याज के साथ गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज 24। वाकई जनता यही कह रही है, महंगाई डायन खाए जाते हैं।